चलिए दोस्तों, आज हम बनाते हैं चाउमीन। तो इसीलिए मैंने कढ़ाई में पानी लिया और आधा चम्मच मैंने नमक डाला और तेल भी आधा चम्मच से कम डाला। अभी उबल जाएगा तो मैं डेढ़ पैकेट चाउमीन उसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो देखिए पानी उबल गया है तो मैंने चाउमीन ऐड कर दी और उसको चम्मच की हेल्प से चाउमीन को चारों तरफ से पानी के अंदर ऐसे डुबा के रहेंगे क्योंकि चारों तरफ से अच्छे से ये पक जाए। देखिए ये पक गया है तो अभी हम इससे पानी उसका निकाल देंगे। देखिए मैं अच्छे से इसका पानी निकाल दी हूँ और अब मैं जो टिप्स बताने जा रही हूँ तो तुरंत इसका पानी निकलने के बाद हमको जल्द से जल्द ठंडे पानी में उसको पूरा ठंडा होने तक हम धो लेंगे ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और चाउमीन लगेगा भी नहीं, जो चिपक जाता ना वो चिपकेगा नहीं। तो इधर मैंने बीट को ऐसा लंबा कट करके रखी हूँ और ये गाजर है और पत्ता गोभी और टमाटर को मैंने ऐसा लंबा लंबा कट के रखी हूँ। तो मैंने और कांदा भी काट के रखी हूँ, कांदा और हरी मिर्ची। देखिए मैंने इसको पीस से थोड़ा सा कट करके रखी हूँ, अदरक लहसुन कूट के रखी थी। तो कढ़ाई में मैंने एक पोड़ो पीठा बनाया था जिसके कारण वो थोड़ा जल गया है तो वो नहीं निकलेगा, कुछ नहीं। तो अभी मैं इसके अंदर तेल डाल रही हूँ, उसके बाद मैंने कांदा डालूँगी और ऊपर मैं थोड़ा सा ये शक्कर है ना, शक्कर हम करके थोड़ा कम डालूँगी ताकि इसका कलर भी आ जाए और ये टेस्ट भी लगे इसीलिए। और जब ये कांदा अच्छे से भुज जाएगा ना तभी हम इसके अंदर हरी मिर्ची को डालेंगे। देखिए ये हो गया तो अभी हम इसके अंदर हरी मिर्ची डालेंगे। और इसको थोड़ा हम थोड़ा भूज लेंगे। आप अपने तिक्के के हिसाब से हरी मिर्च ऐड करना। और अब मैं अदरक लहसुन को कूट के रखी थी, आप चाहे तो अदरक लहसुन भी ना डाल सकते हो पर डालना सीखा होता है इसका अच्छा लगता है। तो देखिए अच्छे से ये भी फ्राई हो गया है तो अब हम इसके अंदर टमाटर डालना है और टमाटर को भी पूरा मतलब जैसे कि पक जाता है ना वैसे मल्ट होगा, पक जाएगा तभी हम क्या करेंगे उसके अंदर सब्जी को डालेंगे। और अभी मैं इसके ऊपर तेल एक चम्मच डाल रही हूँ चाउमीन को और इसको थोड़ा अच्छे से मिला देंगे, इससे और भी स्मूथ हो जाता है। तो अभी मैं सारा सब्जी को इसके अंदर ऐड कर दी हूँ और अभी हम इसको अच्छे से मिलाएंगे। मैं चाउमीन में नमक ऐड की थी तो इसके हिसाब से सब्जी के ऊपर नमक ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिला के कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि इसको ज़्यादा भी नहीं पकना है क्योंकि सब्जी ना थोड़ा कच्चापन इसका रहेगा तो अच्छा लगता है खाने में। और चाउमीन को भी ज़्यादा नहीं पकाना, मतलब जैसे कि हाथों में टूट जाता है बस वैसे ही। तो मैं इधर चिली सॉस 1 चम्मच डाला, आप अगर चाहे तो और 1 चम्मच डाल भी सकते हैं आपके हिसाब से। और मैं सोया सॉस भी इधर डाला 1 चम्मच और भारत मसाला जो चाउमीन मसाला आता है ना उसमें से मैं 1 पैकेट 10 रुपये वाला 1 पैकेट मैंने पूरा ऐड किया। 1.5 पैकेट चाउमीन के लिए मैंने 1 पैकेट मसाला ऐड किया और अभी मैंने उसको अच्छे से मिला दी। तो उसके अंदर अभी मैं चाउमीन ऐड कर दूंगी और उसको अच्छे से मिला दूंगी। तो इसको मैं 1 चम्मच के हेल्प से उसको अच्छे से मिलाऊंगी क्योंकि नहीं तो ये अच्छे से नहीं मिलता चारों तरफ से। देखिए उसको हम धीरे धीरे ऐसे मिलाना है और देखिए पूरा जो ठंडा पानी ऐड की थी ना तो इसीलिए पूरा चाउमीन हमारा पूरा अलग 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 हो गया है, चिपक भी नहीं रहा है। तो मिलाने के बाद मैंने उसको 2 से 3 मिनट चूल्हे पर बिठाई थी और अभी बंद कर दी हूँ और प्लेट में भी सर्व करने के लिए निकाल दी हूँ। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैं फिर मिलूँगी और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक बाय बाय।